नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे बहुत से भाई बहनों ने रिक्वेस्ट किया है कि हम उनके लिए बैक पेन, सर्वाइकल या पीठ दर्द से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में कोई योगासन या एक्सरसाइज बताएं। इस विषय पर चर्चा करने से पहले हम इसी से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, वो है प्राणायाम। क्योंकि प्राणायाम हमारे शरीर पर माइक्रो लेवल पर कार्य करता है, वो हमारे सेल्स, जो छोटे छोटे सेल्स हैं, उनमें ट्रांसफॉर्म करता है। हमारी बॉडी में जो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन लाता है वो है प्राणायाम। तो इसलिए आज हम प्राणायाम पर चर्चा करेंगे कि प्राणायाम का सही तरीका क्या है, सही क्रम क्या है। आप अगर प्रतिदिन 15 मिनट प्राणायाम करते हैं तो आप उसके प्रभाव स्वयं महसूस कर सकते हैं कि वह किस प्रकार से आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल के रख सकता है। इसी के साथ हम प्रारंभ करते हैं कुछ प्राणायाम। सबसे पहले सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, किसी भी आरामदायक आसन की अवस्था में बैठ जाते हैं। आप आराम से सुखासन में बैठ सकते हैं। आप अपने पैरों को इस प्रकार से जंघा पर रखते हुए पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। कोई भी अवस्था जिसमें आप आरामदायक होकर बैठ सकते हैं उसमें आप बैठिए। अपने हाथों की ज्ञान मुद्रा सबसे आसान है। अपने अंगूठे को अपनी उंगली से मिलाइए इस प्रकार से, और बाकी 3 उंगलियां बिल्कुल सीधी। ये हमारी प्राणायाम के लिए अवस्था होगी। अब हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम से। हम जो कर्म बता रहे हैं आप उस कर्म को भी ध्यान रखेंगे, उसी कर्म में प्राणायाम किए जाते हैं और करने चाहिए। भस्त्रिका के लिए पहले अपने लंग्स में पूरा श्वास भरेंगे, लंबा गहरा श्वास अंदर भरेंगे, पूरे लंग्स को अपने श्वास से भर देंगे और फिर लंग्स में दबाव के साथ सांस को बाहर छोड़ेंगे। भस्त्रिका का मतलब होता है धोकनी। जिस प्रकार की हमने देखा होगा कि पुराने समय में लोहार जो लोहे का कार्य करते थे वो एक धोकनी रखते थे, जिसमें वो इस प्रकार से ऊपर नीचे उसे दबाते थे और उससे हवा से आग जलती थी। उसी प्रकार भस्त्रिका प्राणायाम है, उसमें हम अपने लंग्स को पूरा भरेंगे और दबाते हुए सांस बाहर निकाल देंगे, फिर लंग्स को पूरा भरेंगे और फिर दबाते हुए सांस बाहर निकाल देंगे। इसलिए अपने लंग्स को पूरा भरें, कुछ लोग इसे इस प्रकार से भी करते हैं मगर उसमें तरीका सही नहीं है। अगर हम बहुत तेजी से करते हैं तो उससे हानि हो सकती है, इसलिए मध्यम गति से या सामान्य गति से करेंगे। अब हम दूसरा प्राणायाम कपालभाति। कपालभाति के लिए हम श्वास अंदर लेंगे और उसे पेट के दबाव से आप ध्यान देंगे, पेट के दबाव से बाहर छोड़ेंगे, सांस अंदर, आप ध्यान देंगे मेरे पेट पर। जब मैं सांस छोड़ता हूं तो ये हिस्सा अंदर की तरफ जा रहा है दबाव के साथ, ये हमारा भस्त्रिका प्राणायाम कपालभाति, ये हमारा कपालभाति प्राणायाम। इसमें हम पेट के दबाव से श्वास को बाहर फेंकते हैं, ये भी हमारे शरीर में अत्यधिक प्रभाव डालता है। वैसे तो कपालभाति जो है वो प्राणायाम नहीं होता, ये
यह एक शोधन क्रिया है, मगर फिर भी इसे प्राणायाम की श्रेणी में आजकल रखा जाता है और इसके प्रभाव भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए इसे भी प्राणायाम के साथ किया जाता है। अब हम अपना अगला प्राणायाम, इसमें हम अभी कुंभक का भी अभ्यास करेंगे। कुंभक का मतलब होता है रोकना। ये दो प्रकार से होता है, एक अंतः कुंभक, एक बाह्य कुंभक। जब हम अंदर श्वास भर के उसे अंदर रोकते हैं तो उसे हम कहते हैं अंतः कुंभक, जब श्वास बाहर छोड़ के रोकते हैं तो उसे कहते हैं बाह्य कुंभक। ये भी हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। अब हम उसका अभ्यास करते हैं, उसके लिए श्वास को अंदर भरेंगे और होल्ड करेंगे, अंदर ही श्वास को होल्ड करेंगे। दस सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, जितनी हमारी क्षमता हो उसके अनुसार श्वास को अंदर होल्ड करेंगे और फिर धीरे से छोड़ देंगे। इसी प्रकार बाहर सांस को छोड़ने के बाद वहां पर होल्ड करेंगे, ऐसे 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जितनी क्षमता हो उतना होल्ड करेंगे और फिर श्वास अंदर भर लेंगे। इस प्रकार दोनों प्रकार के कुंभक के अभ्यास से हमारे लंग्स काफी मजबूत होते हैं। अब प्राणायाम के क्रम में हमारा अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम। इसके लिए अपने हाथ की प्रणव मुद्रा बनाएंगे, दो उंगलियों को इस प्रकार से मोड़ते हुए अंगूठे से एक नाक को बंद करेंगे। अब पहले हम लेफ्ट नोज से, बाई नाक से, लेफ्ट नोस्टल से सांस अंदर लेंगे, इनहेल करेंगे और राइट से उसे छोड़ देंगे, एक्सहेल करेंगे। फिर राइट से सांस लेंगे, इनहेल करेंगे और लेफ्ट से उसे छोड़ देंगे। इस प्रकार हम एक से सांस लेकर दूसरे से छोड़ेंगे, दूसरे सांस लेकर पहली से छोड़ देंगे। इस प्रकार अल्टरनेटिव हम नोस्टल से सांस लेंगे और छोड़ेंगे, ये क्रिया हमारी कहलाती है अनुलोम विलोम। इसमें हम लंबा गहरा श्वास अंदर लेंगे और लंबा गहरा ही बाहर छोड़ेंगे। इस प्रकार इस क्रिया को कम से कम 5 मिनट तक दोहराएंगे। इसके बाद प्राणायाम के क्रम में हमारा अगला प्राणायाम नाड़ी शोध। इसमें हम अनुलोम विलोम की भांति ही एक नाक से श्वास लेंगे, दूसरी से सांस छोड़ेंगे, परंतु इसके साथ हम कुंभक भी करेंगे। अर्थात जब सांस अंदर लेंगे तो उसे कुछ समय के लिए अंदर रोकेंगे, फिर उसे जब बाहर छोड़ेंगे तो कुछ समय के लिए उसे बाहर रोकेंगे। इस प्रकार अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक के साथ जब हम अनुलोम विलोम को करेंगे तो वो हमारा नाड़ी शोधन कहलाए। ठीक है, इसमें हमें ध्यान रखना है कि जब हम सांस ले तो कोशिश करें उससे लगभग 2 से 4 गुना सांस अंदर रोके और उसी अनुपात में हम श्वास को बाहर छोड़ें और फिर बाहर रोकें। तो उसमें लेने का क्रम कम होगा, श्वास रोकने का थोड़ा ज्यादा, छोड़ने का ज्यादा, इस प्रकार से हम क्रम का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ताकि उसका अधिक से अधिक हमें प्रभाव प्राप्त हो सके। अब नाड़ी शोधन के बाद हम अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी के लिए हमारी कई विधियां हैं, हम इसी प्रकार से बैठकर आंखों को बंद करते हुए भी कर सकते हैं या हम सन्मुखी मुद्रा बनाकर इसमें एक अंगूठों से अपने कान को बंद करते हुए एक उंगली ऊपर भौं के ऊपर, एक नाक के पास, एक नाक के नीचे और दूसरी होंठ के नीचे रखते हुए आंखों को बंद करते हुए भी कर सकते हैं या अपने पंजों से अपनी आंखों को बंद करके आंखों पे रखते हुए भी कर सकते हैं। ये हमारी कई विधियां हैं, हम किसी भी विधि जिसमें सहज हो उससे हम कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या है, भ्रामरी का मतलब होता है जिस प्रकार से भमरा होता है, गुंजन करता है, या हम इसे हनी भी कहते हैं, हनी भी, या जैसे मधुमक्खी एक आवाज करती है भिम भिम की आवाज, तो उसमें हमें क्या करना है, अपने मन के अंदर, अपने मुंह के अंदर अंदर
ओम का उच्चारण करता है, मुंह को बंद करते हुए ओम का उच्चारण करना है, जिसका एक गुंजन हमारे मस्तिष्क में होगा। एक बार अभ्यास करेंगे, अपने अंगूठों से अपने कान को बंद करेंगे, आंखों को बंद करते हुए अपने हाथों को आंखों के ऊपर रखेंगे और एक लंबी गहरी श्वास अंदर और मुंह को बंद करते हुए नाक से श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। यह हमारे मस्तिष्क पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डालता है। इससे हमारी मेमोरी शार्प होती है, याददाश्त भी बढ़ती है। इसके मानसिक रूप से कई लाभ है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क जो है हमारे सर के अंदर एक लिक्विड के अंदर, ठीक है, एक तरल पदार्थ है जिसके अंदर हमारा मस्तिष्क रहता है, और जो हम यह गुंजन करते हैं, ये भवरे की तरह गुंजन होता है, वो उसमें वाइब्रेशन उत्पन्न करता है जो हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, उनका आपसी कनेक्शन को बढ़ाता है, उन्हें बड़ा बनाता है, जिससे हमारी मेमोरी बढ़ती है, हमारे ध्यान की शक्ति बढ़ती है, हमारी याददाश्त बढ़ती है। और ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए तो खासकर बहुत अच्छा प्राणायाम है, रामरी अनुलोम विलोम, ये बच्चों को तो अधिकतर हमें कराना चाहिए। प्राणायाम के क्रम में हमारा अगला प्राणायाम उद्गीत, उद्गीत या प्रणव या ओम का उच्चारण, एक ही को कहते हैं, उसी को हम प्रणव बोलते हैं, उसी को ओम और उसी को उद्गीत। तो इसमें क्या करना है, एक लंबा गहरा श्वास अंदर और पूरे मन के साथ ओम का उच्चारण करेंगे। फिर से एक लंबा गहरा श्वास अंदर इस प्रकार से प्रयास करना है कि हम 4 से 5 मिनट प्रतिदिन उद्गीत, भ्रामरी, इनका भी अभ्यास करते रहें। प्राणायाम हमारे जीवन में बहुत गहरे परिवर्तन लाते हैं। आप कुछ ही समय में इस चीज का अनुभव करेंगे कि आपके जीवन से तनाव कम हो रहा है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब चीजें अपने आप दूर चले जाती हैं। और छोटे छोटे तकलीफ, छोटे छोटे पेन, दर्द, ये सब बड़े आराम से अपने आप हमसे दूर हो जाते हैं। और एक मानसिक शांति, सुख आप अनुभव करें कि आपके जीवन में एक उत्साह, एक खुशी अपने आप आ रहा है, एक आनंद की प्राप्ति आपको हो रही है, सिर्फ 15 से 20 मिनट प्राणायाम के अभ्यास से। तो कोशिश कीजिए कि आप और स्वयं बच्चों के साथ, पूरे परिवार के साथ रोज कम से कम 15 मिनट, अगर आप दोनों समय कर सकते हैं सुबह शाम तो दोनों समय कीजिए, वरना सुबह के साथ समय प्रातःकाल तो कम से कम 15 से 20 मिनट प्राणायाम अवश्य कीजिए और फिर अपने जीवन में होने वाले परिवर्तनों को महसूस कीजिए। अब हम अपने अगले वीडियो में आपने जो प्रश्न रखे हैं, जो आपकी रिक्वेस्ट है, उससे जुड़ी हुई वीडियोस बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।